राइट साइड में मेरे ईडन गार्डन है। विक्टोरिया ग्राउंड, तो वहाँ जाके मैक्स को थोड़ा रनिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, क्योंकि उसके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम तो हमारे हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, पर उसके साथ पर हमारे साथ उसके हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मॉर्निंग वॉक हमारा भी हो जाएगा, संडे है, इन्जॉय करेंगे और आपको भी सब कुछ दिखाऊंगा। विक्टोरिया जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें मतलब तीन चार, आप ईडन गार्डन समझ सकते हैं, जो कि इतना बड़ा नाम है ईडन गार्डन, तो उसमें तीन चार ईडन गार्डन आ सकते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है। तो वहाँ जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने जो देखे वो फेमस हावड़ा ब्रिज है, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और इसकी खास बात ये है कि इसके नीचे एक भी सपोर्ट नहीं है, मतलब बिना सपोर्ट के है। और देखिए कितना पुराना, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। तो हम डेली ऑफिस जाते हैं, इधर से हमको जाना पड़ता है। ये हावड़ा है, इस साइड जो अभी हम गाड़ी चल रहे वो हावड़ा है, और उस साइड कलकत्ता है। राइट साइड में मेरे ईडन गार्डन है, जिसको मेरे को मतलब समझाने की जरूरत है। ईडन गार्डन हर कोई जानता है, कितना बड़ा स्टेडियम है, कितना फेमस स्टेडियम है। और ये भी कलकत्ता का फेमस रेड रोड है। तो गाइस ये है विक्टोरिया ग्राउंड, जो कि विक्टोरिया मेमोरियल के एकदम पास में है। और आप सामने जो लंबी बिल्डिंग, वो कलकत्ता की बुर्ज खलीफा बोल सकते हैं, 62 फ्लोर्स की है, उसका भी इंडिया में नंबर आता है। और विक्टोरिया देखिए प्ले ग्राउंड है, बहुत ही बड़ा, मतलब ईडन गार्डन साइज उसका 3-4 गुना, उससे भी ज़्यादा ही होगा अप्रोक्सी, दूर दूर तक आपको दिखेगा नहीं। और यहाँ पे सब गाड़ियों की पार्किंग रहती है। मैक्स को बहुत रनिंग और वॉकिंग करवा ली है, वॉकिंग भी करवाई, फिर थोड़ी रनिंग भी करवाई। और अभी आप देख सकते हैं इसकी हालत। मैक्स पानी पी रहा है अभी। मैक्स पूरा थक गया, शिवम है। और गाइस अभी जाता हूँ घर, और मिलता हूँ घर जाके, बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी हम विक्टोरिया से आए, और सीएम बोल रहा था, मेरा छोटा भाई बोल रहा था कुछ खाने को मतलब रेडी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ और दिखा दूँ। सॉरी वो मैक्स सोया है, मैक्स को भी दिखा दो एक बार, थक के आया हुआ एकदम सोया है। मैक्स सोने दो उसको। तो गाइस ये टाटा का रेडी टू ईट है, मतलब अब जैसे आपके घर में कोई गेस्ट है या रात को आप कहीं से घूम के आए और आपको 2 मिनट में मतलब चाहिए, तो आप इसको माइक्रोवेव या स्टोव में रेडी कर सकते हैं। ये टाटा का है, एक readytoeat.com में भी आप चेक कर सकते हो। उसमें सब्ज़ी अलग उस टाइप का, मतलब अलग अलग वैरायटीज़ बहुत सारे मिलते हैं वेज का, और जो नॉन वेज है उनको नॉन वेज के लिए। तो हमारा ये शेज़वान नूडल्स है, हॉट एंड स्पाइसी, तो इसको अभी माइक्रोवेव में हम बनाएंगे। और वैसे ये हेल्दी ऑप्शन तो नहीं बोल सकते, पर इसमें इतने सारे वैरायटीज़ आते हैं, आप चेक कर सकते हैं tata.com या जो भी इसका वेबसाइट है। आप टाटा करके ऐसे रेडी टू ईट करेंगे तो ये सब आ जाएगा वेबसाइट। अभी मैं इसको बनाता हूँ और आपको फिर टेस्ट रिव्यू, मैं थोड़ा सा एक बाइट लूँगा तो टेस्ट रिव्यू दूंगा। चलिए टू इट बताया माइक्रोवेव में, देख सकते हैं इसमें लिखा है बस पील ऑफ द ट्रे, थोड़ा सा खोलना है और इसको 60 सेकंड माइक्रोवेव में डालना है, बस रेडी टू इट तैयार है आपका, खा सकते हैं फिर यम्मी। ये स्पून है, फोक है, साथ में प्लास्टिक के एक टिश्यू पेपर है, उसको थोड़ा सा खोल, थोड़ा सा चल माइक्रोवेव में डालते, लाइट चालू कर दे। कितना बोला उसमें? 60 सेकंड्स। हाँ बस 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 बस, उसको घुमा दे 60 पे, 1 मिनट पे बस। अभी बनेगा, फिर मैं आपको टेस्ट रिव्यू देके बताऊँ। तो गाइस ये रेडी है, और एकदम गर्मा गर्म स्मेल तो बहुत अच्छी है। खाने का मन तो मेरे को बहुत हो रहा, पर मैं एक स्पून नहीं खाऊँगा, ज़्यादा नहीं खाऊँगा। शेम एक बार टेस्ट करके बताओ कैसा है। तगड़ा यार, आप टेस्ट करो, मैं करता हूँ टेस्ट। तो गाइस ये था रेडी टू ईट, और बस आपको कहीं भी अर्जेंट हो के जाना, 2 मिनट में तैयार है, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट, 60 सेकंड, 60 सेकंड में रेडी है। तो शिवम एंजॉय करो और मैं एक स्पून लेता हूँ, बाय गाइस। तो गाइस आज वो दिन है 4.5 मंथ्स के बाद जब मैं जिम वापस जा रहा हूँ, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो गाइस की ऐसे दिन भर दिन बढ़ रहे हैं, इससे हेल्दी रहना भी मतलब बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आज मैं जिम जा रहा हूँ और आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा कि जिम का क्या सिनेरियो। एक्चुअली हमारे जिम में ऐसा है कि जो स्लॉट सिस्टम है, अगर आप 8 बजे जाते हैं तो आपको 9 बजे निकलना पड़ेगा, फिर पूरा जो जिम है वो सैनिटाइज होगा।
और जो मशीन्स है वो थोड़े थोड़े सब डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो एक मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा और पूरा सब सैनिटाइज वगैरह होता है और अच्छा एकदम प्रॉपर। और जो आपके इक्विपमेंट्स तो नहीं, सॉरी, क्योंकि इक्विपमेंट्स तो जिम के ही होंगे, आपके वाटर बॉटल और जो टॉवेल और जो भी है वो सब आपको खुद से लेके जाना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे वाटर बॉटल्स और वाटर भी आपको घर से लेके जाना पड़ेगा। और जो लॉकर सिस्टम स्टीम बात है वो कुछ नहीं आपको अवेलेबल होगा अभी कोरोना के चक्कर में। और गाइस आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 4.5 मतलब आप कितना ही वर्कआउट कर लो, राजस्थान मैंने आपको दिखाया था मैं वर्कआउट करता था सब जुगाड़ लगा के, पर जो एक जिम का वर्कआउट है वो अलग ही एक मतलब लेवल का है। और मोटिवेशन मतलब अंदर जाके एक अलग सा फील आता है कि हाँ, और वहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट्स अलग अलग। तो गाइस अभी मैं जिम जाऊँगा और आपको वहाँ जाके दिखाऊँगा। तो गाइस ये जिम देखिए, ट्रेडमिल सब गैप गैप पे रखी हुई है और ये साइकिल्स ये सब गैप में रखी हुई है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब गैप में रखे हुए हैं। ये देखिए चेस्ट मशीन और बाइसेप्स मशीन सब एकदम सब डिस्टेंस में है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, और बाकी सब देख सकते हैं। ये भी चेस्ट मशीन, शोल्डर चेस्ट मशीन, अच्छा लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे और मेरे भाई को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, टाटा रेडी टू ईट उसकी भी लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में। और इसी के साथ मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय।